सूरतगढ़ तहसील के टिब्बा क्षेत्र का गांव रतासर काफी अरसे से पेयजल समस्या से जूझ रहा है। किसान नेता राकेश विश्नोई के नेतृत्व में अपनी पेयजल की आपूर्ति की विभिन्न मांगों को लेकर जो अनिश्चितकालीन उन्होंने धरना प्रारंभ किया था, उसमें उन्होंने ग्रामीण उपखंड कार्यालय सूरतगढ़ के आगे उन्होंने अपने धरने की शुरुआत की थी, जो दिन रात चलता रहा। राकेश विश्नोई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधीश महोदय से इस संवेदनशील समस्या को हल करने की गुहार लगाई। नवभारत समाचार सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। आज गांव रत्तासर के किसान और नौजवान साथी उपखंड कार्यालय सूत्र बैठे हैं। यहां का प्रशासन भी पिछले कई बार यहां के किसान नौजवान मिले, लेकिन गांव के अंदर पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को और कलेक्टर महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन आप देखोगे कि रतासर गांव का किसान और नौजवान पानी के लिए, पेयजल पानी के लिए बैठा है। और गांव वालों का यह कहना है कि दो अढ़ाई साल से पूरे गांव के अंदर कोई पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, और पिछले 6-7 महीनों से इस गांव में वाटर वर्क्स के द्वारा एक बूंद पानी गांव के अंदर नहीं गया। मैं जिला कलेक्टर महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसियां, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, तो रत्तासर गांव के अंदर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? 70-80 साल के लोग आज रात को उपखंड कार्यालय पर बैठे हैं कि हमें पानी, पेयजल जो पानी है, पीने का जो पानी है, उसकी व्यवस्था सरकार करे, लेकिन यहाँ का प्रशासन गंभीर नहीं है। जो हमारे साथ में किसान साथी आए हैं वो अपनी बात रखेंगे और सरकार को बताएंगे कि इनके गांव के हालात क्या है। भाई साहब, 2.5 साल हो गया, 30 मरता ने 2.5 साल में 6 महीने में तो बूंद ही पानी को नहीं आयो। मैं तो मरा 30 मरता, एक्शन जैन खन जावा तो मैंने रबड़ को बोबो दे दिए, कह तारे 7 दिना में आ जी, 5 दिना में आ जी, 2000 रुपया दे के, 1500 रुपया दे के दूसरे गाँव पानी मंगावा। एक आदमी सर तो पूरु आ जाए, गरीब सगड़ा पूरा थोड़ा ही आएगा, 1000-1500 रुपया टैंकर का देने ने, कोई मारी सुनाई कोई नहीं। सब जो बिजली मेख में जो सब खत्म हो है, रबड़ का बोबा दे माने सीधा के 7 दिना में आ जी, 5 दिना में आ जी, 6 महीना।